Good afternoon students. Today video I will discuss the point path of contact, arc of contact, line of action and pressure angle. So here you have seen in the diagram I have drawn the profile of two gears and when two gears are mating to each other. So this is the gear number 1 and this is the gear number 2. Gear number 1 के लिए हमारा ये addendum circle है, ये आपका pitch circle, and gear number 2 के लिए same pitch circle, base circle and addendum circle. I have already discussed the what is the pitch circle and addendum circle, and base circle जो हमारा होता है वो basically आपका इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल के लिए होता है, और बेस सर्कल वो सर्कल होता है जिससे हम इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल जनरेट करते हैं. इसके बाद हम बात करें तो गियर नंबर 1 के लिए या गियर टूथ प्रोफाइल 1 के लिए हमारा जो टूथ है ये है, और इसी तरीके से यहाँ पर गियर नंबर 2 और 1 के लिए बीच में टूथ होंगे, और ड्यू टू द सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर टूथ नहीं बनाए हुए. नहीं तो मैं आपको अगर टूथ बना दूंगा तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा. ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है ये हमारी नॉर्मल लाइन है. इसके बाद ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये हमारी टेंजेंट लाइन है. इसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारी नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन कौन सी है, ये लाइन है, इसके करिस्पोंडिंग दो पॉइंट मिलेंगे. एक पॉइंट हमारा यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर मिल रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, नॉर्मल लाइन जो हमारी ड्रॉ होती है वो डिपेंड करती है ड्राइवर और ड्रिवन के ऊपर. सपोज दैट ये आपका ड्राइवर है और ये आपका ड्रिवन है, उस केस में जो हमारी नॉर्मल लाइन होगी मीन्स यहाँ से क्या होगा, ये गियर आपका रोटेट करेगा, मीन्स ये गियर आपका रोटेशन स्टार्ट करेगा, तो जो बिगनिंग होगी, जो मेसिंग की बिगनिंग होगी इस पॉइंट से होगी, और लीप कहाँ पर होगा आपका, इस पॉइंट पर. अगर ये ड्राइवर है और इसका मैं अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दूँ तो फिर बिगनिंग आपकी यहाँ कहीं होगी और एंड आपका यहाँ कहीं होगा, तो मीन्स ये नॉर्मल लाइन फिर उस केस में क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी. सेम प्रोसीजर अगर आपका ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है और ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो यहाँ कहीं बिगनिंग होगी, यहाँ कहीं लीव होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्मल लाइन आपकी अपोजिट हो जाएगी. तो नॉर्मल लाइन डिपेंड करती है कि गियर का डायरेक्शन क्या है और कौन सा ड्राइवर है और कौन आपका ड्रिवन है. इसके बाद हम बात करें तो इस नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग हमारे यहाँ पर दो पॉइंट दिख रहे होंगे, मीन्स के पॉइंट और एल पॉइंट. मीन्स हमारी बिगनिंग यहाँ पर हो रही है और जो गियर जो उनकी जो मेसिंग का लीव हो रहा है वो एल पॉइंट पर हो रहा है. इससे पहले मैं आपको नॉर्मल लाइन के बारे में बता दूँ, नॉर्मल लाइन हमारी वो लाइन होती है, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं और इसको हम प्रेशर लाइन भी बोलते हैं. इसी लाइन के अलॉन्ग एक गियर टूथ दूसरे गियर टूथ पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, मीन्स फोर्स का जो ट्रांसमिशन होता है हमेशा इसी नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग होता है, और जो हमारा मोशन हमेशा हमारी टेंजेंशियल होती है, तो जो मोशन का ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा अलॉन्ग द टेंजेंट लाइन के अलॉन्ग होता है. ये हमारी टेंजेंट लाइन है और इसको आप नॉर्मल लाइन या प्रेशर लाइन बोल सकते हो. ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रेशर एंगल की बात करें तो प्रेशर एंगल हमेशा जो किस किस के बीच में बनता है, हमारा नॉर्मल लाइन एंड प्रेशर लाइन के बीच में. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन या लाइन ऑफ एक्शन एंड टेंजेंट लाइन इज नोन एज प्रेशर एंगल. प्रेशर एंगल हमेशा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रेशर एंगल इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड लाइन ऑफ एक्शन और प्रेशर लाइन. प्रेशर एंगल के एक हमेशा एक लिमिटिंग रेंज होती है, और अगर जैसे जैसे आप प्रेशर एंगल इंक्रीज करते जाओगे उसमें आपका डिसएडवांटेज होता है, और डिसएडवांटेज क्या होता है,
कि जैसे जैसे हम प्रेशर एंगल इंक्रीज करेंगे उस केस में आपका गियर टूथ आपका वीक होता जाता है। सो पावर ट्रांसमिशन आपकी उस केस में इफेक्ट होती है। तो जो आपके स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल होते हैं उनमें से आपका 20 डिग्री 25 डिग्री यूज करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अब मैं यहाँ पर दो चीज़ों की बात करूँगा। एक हमारा इस नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग जो कांटेक्ट हो रहा है, दूसरा हमारा अलॉन्ग द पिच सर्कल जो आपका कांटेक्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो हमारा बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है, एंड यहाँ पर हो रहा है अलॉन्ग द नॉर्मल लाइन। तो ये जो आपकी डिस्टेंस आती है अलॉन्ग द नॉर्मल लाइन फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी? फ्रॉम अलॉन्ग द नॉर्मल लाइन या अलॉन्ग द प्रेशर लाइन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट टू द एंड ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए यहाँ पर भी आपकी दो चीज़ें हैं, एक तो आपका इस पॉइंट से बिगनिंग हो रही है, दूसरा हमारा बीच में पिच पॉइंट भी मिलता है, और तीसरा हमारा एल पॉइंट पर लीव हो रहा है। सो यहाँ पर जो हमारी के और एल की जो डिस्टेंस होगी, के एल की डिस्टेंस ये आपकी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका के पी हो जाएगा, दूसरा हमारा पी और एल हो जाएगा। सो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पिच पॉइंट, ये जो डिस्टेंस आ रही के और पी की, ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच, और पी और एल की जो डिस्टेंस आएगी उसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ रेसिस। सो पी के पाथ ऑफ अप्रोच एंड पी एल इज द पाथ ऑफ रेसिस। सो ये क्लियर हो गया, पाथ ऑफ अप्रोच क्या होगी हमारी, पाथ ऑफ रेसिस क्या होगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पिच सर्कल के अलोंग भी आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे। पिच सर्कल के अलोंग मैंने यहाँ पर ये पॉइंट नोट किया हुआ है, ये किसके अलोंग है हमारा, पिच सर्कल के अलोंग, और कौन सा पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट। इसके बाद अगर हमारी पिच सर्कल के अलोंग जो बिगनिंग हो रही है वो ए पॉइंट पर हो रही है, और जो लीव हो रहा है पिच सर्कल के अलोंग वो किस पॉइंट पर है हमारा, बी पॉइंट पर। तो ये आपको आर्क मिल जाएगी ए पी और बी, इस आर्क को हम क्या बोलते हैं, पाथ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक आपका हो जाएगा ए पी, दूसरा हो जाएगा हमारा बी पी। ए पी जो वो होगा हमारा आर्क ऑफ अप्रोच, और जो बी पी होगा वो होगा हमारा आर्क ऑफ रेसिस। सेम प्रोसीजर अगर हम इस गियर टूथ प्रोफाइल टू की बात करें तो जो हमारा अलोंग द पिच सर्कल बिगनिंग हो रहा है सी पॉइंट पर, और अलोंग द पिच सर्कल जो हमारा एंड हो रहा है वो किस पॉइंट पर है आपका, के पॉइंट पर। सो सी और के की जो आपकी डिस्टेंस होगी, सर्कुलर आर्क जो डिस्टेंस होगी उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसके भी दो पॉइंट होंगे, एक आपका सी पी और दूसरा हमारा पी के। सो सी पी इज़ द आर्क ऑफ अप्रोच एंड पी के इज़ द आर्क ऑफ रेसिस। ये जो आपका टर्मिनोलॉजी है, क्या हमारा आर्क पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, एंड आर्क ऑफ अप्रोच आर्क ऑफ रेसिस, ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका डेरिवेशन बताऊंगा, कैसे आपको इसको ड्राइव करना है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।